नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन में। अब बिना इजाजत के अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर बजे तो 1,00,000 रुपए का जुर्माना। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून और ये आदेश हो गया कि अगर मस्जिदों में ये अजान हुई उसके समय सीमा भी निर्धारित की गई है। अभी हम आपको दिखाते हैं किस समय सीमा के अंदर अगर किसी मस्जिद से लाउड स्पीकर की आवाज़ आ गई तो फिर 1,00,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए हम आपको पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं। बस आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में मिला दीजिए और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है और उसमें 2 से अगर तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले वो माँ बाप होंगे। इसीलिए अभी से ही ध्यान से सुने उन नियम और कानूनों को, जिससे कि आपका परिवार जो है सुखी रहेगा, आपके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। जिस तरह से कहा जाता है कि सरकारी नौकरी हमारे पास नहीं है, भूखों मर रहे हैं, प्यासों मर रहे हैं, तो फिर वो तो स्वाभाविक है कि जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी तो निर्धारित ही है। इसीलिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के आदेश, और वहीं पर दिल्ली से बड़ी खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल ने भी एक्शन लिया है। बता दूं आपको, रात के समय ध्वनि प्रदूषण करने पर लोगों को जेब अधिक ढीली करनी पड़ेगी। बिना किसी इजाज़त के भी शोर किया तो इसके लिए अच्छा खासा जुर्माना अदा करना पड़ेगा। लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम को बिना परमिशन के बजाया तो 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। बता दूं आपको, कोरोना पीड़ितों के लिए जिस तरह से आर्थिक योजना शुरू, केजरीवाल बोले किसी के कागजों में कमी मत निकालना। अब रात के समय ध्वनि प्रदूषण करने पर लोगों को जेब अधिक ढीली करनी पड़ेगी। अगर बिना किसी इजाज़त के भी शोर किया तो इसके लिए भी अच्छा खासा जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अगर अब लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम को बिना परमिशन के बजाया तो 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, डीजी सेट के शोर के लिए भी उसके साइज़ के अनुरूप 10,000 से 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में उपकरण को भी सीज कर दिया जाएगा। DPCC यानी दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने इस संबंधित विभागों को ध्वनि प्रदूषण के इन नए जुर्मानों की जानकारी दी है और इन्हें लागू करने को भी कहा गया है। बता दूँ आपको, DPCC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 2020 में CPCB सेंट्रल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर ये नए जुर्माने प्रस्तावित किए थे। NGT ने इन्हें मंजूर कर दिया था, जिसके बाद इस साल अप्रैल में CPCB ने इस प्रस्ताव को लागू करने के निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद अब DPCC ने पुलिस और अन्य एजेंसियों को इसे लागू करने के लिए कहा गया है। बता दूं, ध्वनि प्रदूषण को नई जुर्माना दरों के मुताबिक अब यदि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट तथा मानकों से अधिक शोर करते हैं तो उन पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही उपकरण को भी सीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति रिहायशी या कमर्शियल इलाकों में पटाखे जला रहा है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, लेकिन यदि पटाखा साइलेंट जोन में जलाया गया तो वहीं पर जुर्माना 3,000 का होगा। इसके अलावा पब्लिक रैली, शादी समारोह व अन्य धार्मिक आयोजनों में यदि पटाखे का इस्तेमाल किया जा रहा है तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल जोन में 10,000 और साइलेंट जोन में 30,000 रुपये का जुर्माना करना पड़ेगा। बता दूं आपको, जिस तरह से DPCC के मुताबिक यदि पटाखों का इस्तेमाल बैकुंठ हॉल, RWA के फिक्स परमाइसेज, अपने ओपन ग्राउंड फंक्शंस इंस्टीट्यूट आदि में किया गया तो इसके लिए 20,000 रुपये का जुर्माना होगा। यदि यह नियम एक ही परमाइसेज के दूसरी बार टूटा तो जुर्माने को बढ़ाकर 40,000 कर दिया जाएगा। वहीं तीसरी बार नियम के टूटने पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना और परमाइसेज को सील करने के भी आदेश दिए जाएंगे। उल्लंघन पर लाजपत नगर मार्केट बंद, दुकानदार भड़के। बता दूं आपको, DPCC के डिपार्टमेंट को इन नियमों को एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सबमिट करने को कहा है। DPCC अधिकारियों के अनुसार राजधानी में शोर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों के सेहत पर बुरा असर हो रहा है। ये वजह है कि इन नए नियमों के बाद इस बढ़ते शोर पर लगाम लगाने की भी कोशिश की जा रही है। बता दूँ कहाँ कितना जुर्माना। लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर उपकरण सील करने के साथ 10,000 रुपये का जुर्माना। 1,000 KVA के DG सेट
से होने वाला शोर, उपकरण सील और 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना। 62.5 1,000 किलोवोल्ट के डीजी सेट पर उपकरण सील और 25,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। वहीं पर कंस्ट्रक्शन मशीनरी से होने वाले शोर, उपकरण सील और 50,000 रुपये का जुर्माना। रेजिडेंशियल या कमर्शियल जगहों पर आतिशबाजी 1,000 रुपये का जुर्माना। साइलेंट जोन में आतिशबाजी 3,000 रुपये का जुर्माना। पब्लिक रैली, बारात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह रेजिडेंशियल या कमर्शियल जगहों पर 10,000 रुपये का जुर्माना। पब्लिक रैली, बारात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह साइलेंट जोन में 20,000 रुपये का जुर्माना। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से अभी तक ये बातें निकल कर आ रही थी कि ध्वनि प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो रहा है जिससे कि लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, इन्हीं सबको देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये कदम उठाए हैं। और ऐसा नियम कानून केवल दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में होना चाहिए, तभी जा जाकर जब रात में ये चिल्लाते हैं और पटाखे दगाते हैं तो उन जैसे लोगों पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाएगा, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जब जेब ढीली हो जाएगी तब तो वो कहाँ सुना मानेंगे। इसीलिए अभी वक्त है, अभी सवेरा है, सब लोग को मिलकर सरकार के इन नियमों का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कुछ जो इस तरह के सामान बेचते हैं, पटाखे वाले हैं या और कुछ हैं, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाराज़गी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने जो एक्शन लिया है वो बिल्कुल सही और सटीक है। जिन लोगों को बुरा लग रहा है उन्हें बुरा लगने दें, क्योंकि उनके अच्छाई में देश की बुराई है, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर खतरा है, इसीलिए दिल्ली सरकार ने कदम उठाया। लेकिन वहीं पर बात करें, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर ये बात कही है कि अगर 2 से 3 बच्चे अगर आपके होते हैं तो तीसरे बच्चे को किसी भी तरह से भारत का सदस्य नहीं माना जाएगा, कोई सरकारी सुविधा उसको नहीं दी जाएगी। लेकिन अभी ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है, अन्य राज्यों में अभी इस तरह की कोई हलचल नहीं देखी गई और ना ही देश में कोई ऐसी हलचल देखी गई। इसी सब को देखते हुए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है और इस एक्शन से एक शांतिदूत समुदाय हैं, खास समुदाय के लोग हैं, वो ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मिर्ची लगना शुरू हो चुकी है और बार बार वो योगी सरकार को गाली दे रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद है देश में जिहाद को फैलाना, देश में एक विशेष धर्म को बढ़ावा देना, एक औरत से 10-10, 12-12, 15 बच्चे पैदा करना। कहीं ना कहीं अब उनको उनके लिए बहुत ये मुश्किल वाला काम होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी ये भेड़ बकरियों की तरह बच्चे पैदा कर रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा, अब महज 2 ही बच्चे रखने होंगे। भविष्य में आपको अगर नफ़ा नुकसान जो होता वो आपकी ज़िम्मेदारी है, इसको लेकर सरकार को कुछ नहीं, क्योंकि गांव में एक प्रेरणा चलती है कि अगर 2 बच्चे किसी तरह से पैदा कर लिए गए, उसके बाद कोई एक बच्चा एक्सपायर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस घर का कहीं ना कहीं अगर लड़का एक्सपायर हो गया तो वंश खत्म हो जाता है। ये डर काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर होता है, लेकिन अब इन डरों को ख़त्म करना होगा। देश के विकास में बलिदानी कुर्बानी दी जाती है और अब वही होगा, लोगों को अब कम बच्चे पैदा करने के लिए इस तरह की नीतियों को अपनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि देश ने इसका समर्थन किया और ये बिल पास हुआ, तभी आज ये लागू हो रहा है और बहुत अच्छी रणनीति भी है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो को शेयर करते हैं तो जो जानकारी है वो जनता के सामने पहुंचती है और लोग इसे समझते भी हैं, जानते भी हैं। और आज अरविंद केजरीवाल ने जो एक्शन लिया है, अजान पर कह सकते हैं या फिर जो डीजे वगैरह बजते रहते हैं, जो भी ध्वनि प्रदूषण वाले इक्विपमेंट हैं उन पर ये एक्शन लिया गया, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, जहाँ कहीं भी अगर आवाज़ आती है तो वहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। तो आपकी क्या राय ज़रूर मेंशन कीजिए, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।